टू माई चैनल, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आज मैं आपको ये प्यारा सा कार्डिगन बना के लाऊंगी। इसे जैकेट आप समझ सकते हैं, जैकेट भी कह सकते हैं, जैकेट या कार्डिगन। ये 9 से 10 साल की बेबी के लिए बनाया है मैंने। इसमें कॉलर भी डाला है मैंने, और इसकी बाजू फुल स्लीव्स की बाजू है, और इसमें बटन भी लगाया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा मोटे ऊन पे बना है, तो इसके लिए हमने इसमें मोटे ऊन पे बनाया है, तो हमने इसमें 9 नंबर पे नीचे बॉर्डर बनाया है, ऊपर 8 नंबर पे बनाया है। अगर आपका हाथ टाइट है, ये ऊन देखिए इतनी मोटी ऊन है, ये एक्चुअली इसमें की ऊन बची नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से धागे से आपको बता रही हूँ। ये मोटी ऊन है, तो इसलिए हमने इस पर ऊपर 8 नंबर बनाया। अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है, तो आप इसे 7 नंबर के इस पे ऊपर कर सकते हो, नीचे बॉर्डर इसकी 8 नंबर पे और ऊपर 7 नंबर से कर सकते हो, अगर ऐसा मोटा ऊन है आपके पास। तो इसमें मैंने 10 साल की बच्ची के लिए बनाया था, तो ये मोटा ऊन था, तो नीचे हमने 80 फंदे डाले हैं। पीछे वाले पल्ले में 80 फंदे डाले हैं, 80 फंदे डाल के हमने ऊपर 10 फंदे बढ़ाए हैं, तो ऊपर 90 हो गए। उसके बाद आगे वाले पल्ले में हमने 40 फंदे डाले और 8 फंदे की बटन की पट्टी डाली है, बटन की पट्टी डाली है। उसके बाद हमने हो गए टोटल 48 फंदे। उसके बाद ऊपर हमने 5 फंदे बढ़ा दिए एक तरफ, दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही 5 फंदे बढ़ा दिए। ऊपर आके हमने लेंथ इसकी, मैं आपको बित्ते से नाप के बता देती हूँ कि ये कितना ही होगा, 1 2, ये दो गठ आप मान लो, दो गठ के बाद हमने इसकी घटाई कर दी है। घटाई हमने 5 3 2 1 ऐसे की है, 5 3 2 1 से घटाई करके इसके बाद हमने एक गठ पूरी आगे बनाई है। उसके बाद बाजू की लेंथ थोड़ी लंबी बाजू है इसकी, 1 2, दो गठ से भी थोड़ी ज़्यादा बाजू लंबी है। उसके बाद हमने घटाई कैसे की है बाजू की, मैं पूरा प्रोसेस बना के आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं ओरल ही आपको बता देती हूँ, सिर्फ ये डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी। वैसे ये डिज़ाइन मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर मैं एक बार और इसके साथ आपको बताऊंगी। वो मैंने पतले ऊन पे बनाई थी, बट इस ऊन पे ये बहुत अच्छी लगती है, और ये ऊन शेडेड है, दो कलर का ऊन है, इसलिए इसमें अपने आप ये डिज़ाइन आ गई हुई है। इसमें मैंने बाजू घटाने के लिए 5 3, इधर हमने 5 3 दो एक घटाई थी, इसमें हमने 5 3 और दो दो दोनों तरफ से घटाते हुए, इसके बाद इसकी लेंथ जो होती है इससे नाप के, हमने जितनी इसकी लेंथ होती है ये दोनों तरफ की आगे और पीछे दोनों के, इसमें उतनी होनी चाहिए बराबर, हम नाप के उस हिसाब से फिर इसकी हम पूरी घटाई, दो दो इंच, दो दो फंदे दोनों तरफ से हम घटाते जाएंगे, और उसके बाद हम एक साथ शेप देके पूरा ये जो बचा हुआ फंदा होता है वो घटा देंगे। हमने पूरा इसमें ऊपर आते आते हमने 40 फंदे से बाजू शुरू की, 40 फंदे से बाजू शुरू की। उसके बाद हम हर छठी सिलाई पे हम दो दो फंदे दोनों तरफ से बढ़ाते गए, दो दो फंदे दोनों तरफ से बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते हम 80 फंदे तक ले आए। जितनी हमने शुरू की है फंदे, उतनी हमारी बाजू के ऊपर होनी चाहिए, तो सही फिटिंग बैठती है। ये मेजरमेंट सबसे सही रहता है अगर आप स्वेटर बना रहे हो तो। यहाँ तक हमने 80 फंदे ले आए, यहाँ 80 फंदे ला के उसके बाद हमने 5 3 घटाया, फिर दो दो घटाया, 5 3 और दो दो करके हमने इतना तक घटाया, जब लास्ट में हमारे पास 36 फंदे रह गए थे, तो हमने पूरा एक साथ घटा दिया। लास्ट में हमारे पास जब 36 फंदे रह गए थे, तो हमने नाप के देखा, तो ये पूरा बराबर हो चुका था इसके, कि ये बन के पूरी अच्छे से इसमें फिट आ जाएगी। तो उसके बाद हमने पूरा एक साथ घटा दिया, और उसके बाद बाजू की ये सिलाई कर दी। और गले की ये में हमने यहाँ पे 23 फंदे छोड़े हुए हैं शोल्जर में, ये मोटा ऊन है इसलिए हमने इसमें कम, वैसे हम 25 से 30 फंदे छोड़ते हैं, लेकिन ये मोटा ऊन है, 8 नंबर की सिलाई पर बनी है, इसलिए हमने इसमें इतने फंदे छोड़ रही हूँ। उसके बाद हमने बाजू गले की घटाई की है, गले में हमने यहाँ तक हमारे 90 फंदे थे, 48 फंदे थे, तो हमें क्या करना है कि मतलब ये इतने जो फंदे हैं, पहले तो हमने ये बॉर्डर को एक सुई पे हमने ये कर लिया था, रख लिया था,
एक मार्कर पे हमने जितनी फंदे की बॉर्डर है 8 फंदे की, ये मार्कर पे रख लिया था। उसके बाद ये जितने बचे थे 23 फंदे हमें यहाँ पे छोड़ने हैं, तो 8 फंदे इधर आ गए 40 फंदे में, तो 23 फंदे ऊपर के लिए हमें छोड़ने हैं। 8 फंदे इधर आ गए तो 23 प्लस 8 कितने हो गए आपके, 31, 31 फंदे हो गए, 31 फंदे हो गए। तो 40 में से 31 आपके ऐसे निकल गए। अब इसमें हमें 9 फंदे घटाने, तो 9 फंदे घटाने हैं, तो उसके बाद हमने 48 में से 48 में से 31 रह गए, तो 48 में से 31 रह गए, तो कितने फंदे रह गए आप, ये 17 फंदे हमारे रह जाते हैं। तो हमें 17 फंदे घटाने हैं, तो 17 फंदे के लिए हमें 6 फंदे पहले 3-2-1 गले की गोलाई के लिए छोड़नी है, 6 फंदे छोड़ने हैं। उसके बाद 11 फंदे हमने एक साथ घटा दिए, इसमें 11 फंदे हमने एक साथ घटा के उसके बाद हर दूसरे फंदे पे पहले 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे घटा। इस तरफ भी हमने वैसे ही घटाया है, पहले 11 फंदे घटा के उसके बाद 3-2-1 और उसके बाद इसकी जितनी ये है, और ये मुड्ढे घटाने के बाद हमें जितना ये रखना है, एक बिता मान लिया हमने रखना है, तो आधे पे आके हम गला की घटाई करते हैं। हमने एक गठ रखना है तो आधी गठ अगर आ गई तो उसके बाद हम गले की घटाई शुरू कर देते हैं। तो गले की घटाई मैंने आपको बता दी, ये प्रोसेस मैं पूरा करके भी अगले वीडियो में, अगला मैं सेम बनाने वाली हूँ स्वेटर, उसमें मैं पूरा प्रोसेस डालूंगी, अभी मैंने आपको ओरली बता दिया है इसमें। और उसके बाद हमने ये गला हमें कॉलर वाला बनाना है, कॉलर वाला बनाना है, तो उसके लिए हमने फंदे डाले थे, पीछे हमारे 29 फंदे रह गए थे, 23 इधर रह गए, तो उसके बाद इसमें 29 फंदे रह गए थे, या 30 मान लो 30 फंदे रह गए थे, और इधर हमने 40 फंदे दोनों तरफ जितने इस पे आते जाएंगे उतने फंदे हमने उठाने हैं, तो 40 40 और 30 110 फंदे हमारे टोटल पूरे ये गले के हो गए थे। गले के हमें कॉलर बनानी है, तो हमें हर चौथी सिलाई पे, तीन सिलाई चौथी सिलाई पे, उसके बाद हमने हर चौथी सिलाई पे हमने एक फंदा साइड से दोनों तरफ से बढ़ाना है, ताकि ये कोना ऐसे बन के आता है, कॉलर का कोना बहुत सुंदर बन के आता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मैं इसमें ये करना भूल गई हूँ, क्योंकि ये जो साइड में है ना, पहले उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा करेंगे हम, उससे क्या होता है कि ये कॉलर जो है ना अच्छी फिक्स बैठती है, और लास्ट में भी जब हमें बंद करना हो तो लास्ट में भी चार सिलाई हमें ऐसे ही उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा करना है, इससे अच्छी ग्रिप बिल्कुल बैठती है कॉलर की, तो वो बहुत सुंदर दिखता है। आप चाहे तो वैसे कर लेना या ऐसे कर लेना, बट ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको मैं इसकी डिजाइन बता देती हूँ एक बार, वैसे मैंने बता रखी है बट फिर मैं एक बार बता देती हूँ। डिजाइन के लिए हमने मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे डाल के ये रखा हुआ है, 16 फंदे डाल के मैंने दो सिलाई बुनी हुई सीधे पे आए हुए हैं, उल्टे में हम पूरा उल्टा बुनेंगे, सीधे पे पहला फंदा हमें हमेशा उतारना है, पहला फंदा उतार के, और पहला फंदा उतार के उसके बाद दो फंदे के पीछे से ये देखिए, दो फंदे के पीछे से हमने फंदा लेना है, ये लेके ऐसे खींच लेना है, उसके बाद ये दोनों को ले लेना है, पूरा ऐसे ही हमने बनाना है डिजाइन, फिर दो फंदे के पीछे से एक फंदा निकालना है, उसके बाद इसके बीच से, दोनों के बीच से ये निकाल लेना है, फिर ये दो फंदे के पीछे से और फिर ऐसे निकाल लेना है, फिर ये दो फंदे के पीछे से, फिर ये ऐसे निकाल लेना है। पूरी लाइन हमने ऐसे ही बना ली, ने दो फंदे के पीछे से लिया, फिर पीछे से निकाल लिया, ये देखिए ये डिजाइन, ये ढीली ढीली डिजाइन बनेगी तो बहुत सुंदर बनती है। वैसे पहले मैंने ये डिजाइन बता रखी है आपको, बट फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगला मैं अभी एक ब्लाउज बना रही हूँ,
वो भी आपको मैं बताऊंगी कि ब्लाउज कैसे बनाते हैं उसके। अभी मेरे पूरे पल्ले तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी अगले वीडियो में मैं आपको। तो ये हमारे पूरे फंदे हो गए, लास्ट फंदे हमने बुन लिए, ये पूरी ये होगी। उसके बाद हम उल्टी पे आएंगे, उल्टी पे हमने पूरी उल्टी बुननी है। पहला फंदा हमें उतारना है, हमेशा हमें पहला फंदा उतारना ही सही रहता है, क्योंकि फिर हम जब सिलाई करते हैं ना उसमें ये अच्छे से सिलाई होती है। सिलाई मैं दोनों तरफ सीधी तरफ से करती हूँ, दोनों सुई आगे से लेके, वो मैंने एक फ्रॉक में बताया हुआ है, बट फिर मैं एक बार और आपको बता दूंगी। उल्टी फंदे हमने पूरे ऐसे उल्टे बना लेने हैं, ये उल्टे फंदे हो गए। अब हम सीधे पे फिर से आ गए। सीधे पे आने के बाद हमने क्या देखना है, जो पिछले फंदे पे डिजाइन हमने डाली थी उसके अगले पिछले फंदे पे डालनी है। तो हम एक फंदा ये सिल लेंगे, एक उतार के एक सिल बुन लेंगे। उसके बाद ये बीच में ये देखिए, ये डिजाइन के बीच में दिख जाएगी, ये दोनों जहाँ ये पड़ रही है बीच में, उस बीच में से हम फंदे लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, बीच में से फंदे लेके अब ये ऐसे पीछे से लेनी है, फिर बीच में से दोनों फंदों के बीच में से सीधी निकालनी है। पीछे से एक फंदे निकालने हैं दोनों फंदों के पीछे से, फिर बीच में से एक करके निकाल लेनी है। पीछे से एक फंदे दोनों फंदे के पीछे से, फिर बीच में एक करके निकाल लेनी है। ये पूरा ऐसे ही प्रोसेस बनता चला जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 दोस्तों, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद उस पर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आगे जो वीडियो डालती रहूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तो आप इजीली देख सकते हो इस चीज़ को। और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, मैं और भी बहुत सिंपल सिंपल डिज़ाइन और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन फ्रॉक की भी बताने वाली हूँ, और स्वेटर के भी और भी मैं डालने वाली हूँ। अभी तो मैं एक ब्लाउज बना रही हूँ, वो भी डालूंगी आपको अभी। और लास्ट में ये दो फंदे रह गए हैं, तो दोनों को हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए, ये हो गई डिजाइन। उल्टी तरफ हमने पूरा उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये उल्टा बुन लिया है मैंने, ये सीधी तरफ आ गई। ये देखिए, ये डिजाइन बन गई ना, उभरी उभरी, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनती है और बहुत ही सिंपल डिजाइन है। दो फंदे की डिजाइन है, कहीं भी कम ज़्यादा करने का कोई ये नहीं है। और प्लीज़ दोस्तों, आप बना के ज़रूर ट्राई करना, और अगर बनाने के बाद अच्छा बना तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा बना है। थैंक यू सो मच।